गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे आप सब? आप करती हो अपने घर में बहुत अच्छे। स्वागत है आज के न्यू ब्लॉग में आपका। और आज का ब्लॉग कुछ ऐसा है कि आज बज चुके हैं दोपहर के 12 बजे ब्लॉग शुरू करी हूँ, वो इसलिए थोड़ा सा लेट शुरू करती हूँ क्योंकि मैं अब 2 दिन का इकट्ठा ही ब्लॉग डालती हूँ ना, तब फिर 2 दिन काफ़ी हो जाते हैं ब्लॉगिंग के लिए। एक दिन में ना थोड़ा सा मैं भी ज़्यादा बिजी रहती हूँ, और बिज़ी रहने का भी मतलब जैसे कि मेरी कोई मीटिंग आ गई या किसी कुछ ऐसा होता है तो फिर मैं ब्लॉगिंग कर नहीं पाती, इसलिए मैंने ना 2 दिन के बाद ब्लॉग करने का वो निर्णय लिया है मतलब तो इसलिए 2 दिन के बाद मेरा ब्लॉग आ रहा है। तो आप लोग बताइए लोग कैसे हो सब? और कुछ नहीं, खाना वाना हमने हो गया है। मैं बहुत कम आज इन दिनों में बहुत कम बताओगे ना, छोटे बच्चे की जैसे खाना खा रही हूँ, भूख नहीं लग रही है, खाना पीना मन नहीं करता है खाने के लिए। और सब काम हो गया है, बस अभी हो गए फ्रेश, तो अभी बस कुछ नहीं, अंदर अंधेरा था रूम में क्योंकि लाइट ऑन करने पे बहुत ज़्यादा हो जाती है वो गर्मी, तो मैंने बाहर आके आज की ब्लॉगिंग का शुरू किया है। तो यहाँ पे ब्रूनो भी, ब्रूनो यहाँ पे ना काम गया, इधर गया है ब्रूनो, इधर वो चला गया अंदर हट से। तो आप लोग बताइए आपके वहाँ गर्मी कैसी है? और थोड़ा सा लग रहा है कि थोड़ा सा, इतना ज़्यादा नहीं, मतलब यहाँ से मुझे लग रहा है, पता नहीं है कि नहीं, क्योंकि हमारे घर से ना तो वेदर पता चलता है, ना ऊपर जाएँ छत पे तो पता चलता है, ऐसे नहीं पता चलता है। तो थोड़ा सा मुझे फील हो रहा है कि शायद मौसम अच्छा है, बाहर धूप है पर थोड़ा बहुत मौसम अच्छा है ऐसा फील हो रहा है, पर पता नहीं अभी। तो चलिए थोड़ी देर में करती हूँ आप लोगों से बात। ब्रूनो ना नीचे ऐसे बैठ के ना मेरी जो है ना वो सुन रहा है चोरी चोरी से बातें जो मैं कर रही हूँ। तो दोस्तों चलिए थोड़ी देर में करती हूँ आप लोगों से बात। गर्मी बहुत है इस एरिए में भी, बहुत ज़्यादा गर्मी है क्योंकि फैन नहीं है ना इस एरिए में, तो इसलिए बहुत ज़्यादा गर्मी। तो मैं अंदर चलती हूँ, बाद में करती हूँ आप लोगों से बात। तो मैंने आज से 10-15 दिन पहले अपने वेट को चेक किया था, तब तक मेरा 57 से भी ऊपर था। और आज मैं अपना वेट चेक करने वाली हूँ और आपको बताती हूँ मेरा आज कितना है, क्योंकि मैंने आपको वर्कआउट बताया था ना वो करती हूँ मैं, तो उसी हिसाब से देखते हैं आज मेरा वेट कितना है, बड़ा है या कम हुआ है या उतना ही है, कितना है वेट कीजिए। यहाँ पर रख दी मैंने वेटिंग मशीन और अभी मैं इसे कर दूँगी ऑन। तो ये देखिए हो गई है ऑन, तो अभी मैं देखूंगी कितना है, 0 शो हो रहा है, देख लीजिए कितना है, 56 मतलब 1 किलो वेट जो है मेरा कम हो चुका है, 56.9 है ये। तो 1 किलो वेट जो मेरा कम हो चुका है, 1 किलो वेट जो मैंने कम कर लिया है, ये बड़ी अच्छी बात है मेरे लिए और खुशी की बात है, ये बड़ी खुश की बात है क्योंकि वेट ना बढ़ने में ना इतना टाइम नहीं लगता, कम होने में बहुत टाइम लगता है। तो मेरा एक किलो हो गया है कम, तो मुझे खुशी है। और दोस्तों एक ना और बात आपसे करनी, मैंने ना एक्सपेरिमेंट करना था आज धूप में, एक आप उधर वाली नुक्कड़ में देखिए अगर आपको दिख रहा होगा किधर गया, वो देखिए सामने फ्राई पैन पड़ा होगा ना एक, तो वो आमलेट फ्राई पैन है, वो मैंने धूप में रखा था, वो इसलिए धूप में रखा था क्योंकि आज धूप में कुछ एक्सपेरिमेंट करना था, मैंने कल के ब्लॉग में बताया था। और दोस्तों आज मैंने एक्सपेरिमेंट के लिए उसे रखा 1-2 घंटे के लिए और धूप ही चली गई, आज बारिश वाला मौसम हो गया। अच्छी बात तो है कि बारिश वाला मौसम हो चुका है, पर जो मेरा एक्सपेरिमेंट था ना वो उधर ही रह गया, बीच में रह गया, अब कल देखते हैं भाई। वैसे तो राहत मिली है बहुत लोगों को, मतलब बटाला में तो अच्छा वेदर हो चुका है आज, कुछ अच्छा लग रहा है, पर ऐसा है ना कि जो एक्सपेरिमेंट करने वाली हूँ ना मैंने बहुत सारे वीडियोस उस पर देख लिए, बहुत सारे वीडियोस देख लिए, मैंने सोचा चलो मैं भी आपको करके दिखाऊंगी, चलिए आज नहीं तो कल करेंगे, ज़रूर करेंगे। इधर सब्जी की तैयारी हम लोग कर रहे हैं अभी, तो अभी करेंगे बेड वेड पूरी, तो और कुछ नहीं बस वेट कम हो गया, इसकी बहुत खुशी है मुझे कि मेरा वेट कम हो गया है। हाँ दीपिका कुछ बोल रही, क्या हो गया दीपिका? बोल रही मेरा भी वेट कम हो गया, कितना हुआ तेरा? 50 कितने पहले कितना था?
पहले 54 था, 53 हो गया, मतलब ये 1 kg कम हुआ है हमारा। गर्मी की वजह से भी दोस्तों, खाना बना तो खा नहीं रहे खाना बना तो होता नहीं है, खाते नहीं अच्छे से, तो हो भी सकता है। पर वर्कआउट करने से भी होता है भाई, थोड़ा बहुत, थोड़ा लेट फर्क पड़ता है पर पड़ जाता है ना, तो इसलिए हमारा तो वेट हो गया भाई। अभी महिमा भी कर रही है अपना वेट चेक, चलिए देखते हैं महिमा का कितना, महिमा का कम हुआ है या बड़ा है, महिमा कितना हुआ है वेट देखिए। ओ दोनों पैर रख, दोनों पैर रख, एक पैर का थोड़ी ना करना है। महिमा का 33, पहले भी 33 था, 34 था ना पहले, 34 था, इसका 1 kg कम हुआ है। 1 kg कैसे कम हो गया। ये है हिमांशु का 30.25। तो दोस्तों हो चुकी हूँ मैं रेडी आज के दूसरे दिन के ब्लॉग में, आपका स्वागत है। आज सुबह की गुड मॉर्निंग, और सुबह के बज चुके हैं 11 बजे, मैं हो गई हूँ अब रेडी। क्यों हुई हूँ रेडी, क्योंकि मुझे जाना है थोड़ा सा बाहर, और कुछ काम है मुझे तो वो करना करके आती हूँ। और आप लोग बताइए, आप लोग क्या कर रहे हो, खाना वाना खा लिया है। सुबह सुबह मुझे नहीं लगती इतनी भूख, वैसे तो आप लोगों को बताती रहती हूँ मुझे भूख नहीं लगती, नहीं लग रही है इन दिनों में, तो फिर भी मैंने थोड़ा बहुत खाया है, आधी चपाती बस खाई है। और क्योंकि गर्मी बहुत है, अगर कुछ नहीं खा के जाऊँगी तो फिर मेरा, मेरी बॉडी बेहोश होने वाली होती है, तो इसलिए थोड़ा बहुत खाना पड़ता है। तो चलिए थोड़ा हो गया हूँ मैं बाज़ार से, मार्केट से, तो फिर आके आप लोगों से करती हूँ मैं बात। और कुछ नहीं, काम वाम हो गया है, बस जाना है और आना है बस, तो करते हैं बाद में। तो आज ना वो धूप लगी हुई है कड़क वाली, और आज वो एक्सपेरिमेंट जो है मैं करके दिखाऊंगी, आप लोगों के साथ भी शेयर करूंगी। अगर वो एक्सपेरिमेंट बन गया, मतलब पूरा कामयाब हो गया, तो मैं अपलोड कर दूंगी उसे। तो अभी दिखाऊंगी मैं थोड़े टाइम में आके वापस, फिर मैं करूंगी एक्सपेरिमेंट। वहाँ पर फ्राई पैन पड़ा हुआ, अभी मैंने रात से उठाया नहीं है, तो वहाँ पर ही है। तो दोपहर को जब बचेंगे ना 2-3, तो ऊपर जाएंगे, ऊपर जाऊंगी छत पे, तो फिर करेंगे वहाँ पे, क्योंकि धूप में ही होगा वो, धूप के बिना नहीं होगा। तो धूप तो लगी हुई है, पर दोपहर के समय जाऊंगी जब पूरी तरह से फ्राई पैन गर्म हो जाएगा ना, तब करके दिखाऊंगी। अगर हो गया तो गुड, नहीं हुआ तो बैड लक। चलिए तो आ गई हूँ दोस्तों मैं घर पे वापस। अब आपको बताऊँ कि कहाँ गई थी, मेरे ना भाभी आए थे मार्केट में, तो उन्होंने मुझे कॉल की कि यहाँ पे मिलो, मुझे आके जाने का मन नहीं था, इसलिए नहीं बता के गई थी। पता नहीं क्या उन्होंने कहना है क्या नहीं, यहाँ से होके वापस आ जाना है, तो इसलिए। तो जब मैं वहाँ पर गई तो उन्होंने एक गिफ्ट दिया है मुझे, दिखाती हूँ आपको थोड़े समय में क्या दिया है उन्होंने मुझे। बहुत अच्छा गिफ्ट दिया है उन्होंने, अपने घर के लिए भी उन्होंने दिया और मुझे भी देके दिया उन्होंने बेटा। तो वेट कर ले, तो अभी बताती हूँ। तो मैं थोड़ा टाइम पहले के गई थी, और दोस्तों चलिए अब करते हैं एक्सपेरिमेंट। मुझे लगता है कि वो फ्राई पैन जो है ना पूरा तप गया होगा, तो चलिए देखते हैं, ट्राई करते हैं, फिर मैं आपको बताती हूँ क्या गिफ्ट मिला है आज मुझे, क्या गिफ्ट दिया है भाभी ने आज मुझे। ये वैसे आता रहता है, वैसे आता जाता रहता है, गर्मी बहुत अंदर चले जा। एक मिनट करो, हम आए हैं छत पे, जैसे कि आप देख पा रहे हो ये सूरज अभी भी पूरा सामने है, मतलब इस समय बज चुके हैं 6, पर फिर भी ऐसी ही धूप है। और मैंने एक्सपेरिमेंट के लिए वो फ्राई पैन रखा हुआ है, जस्ट अभी रखा है, आखिर भी नीचे रखा था, तो तब धूप चली गई थी वहाँ से, तो अभी मैंने ऊपर लाके रखा है। अगर टाइम मिला, मतलब इस एक्सपेरिमेंट का आज, अगर ये हो गया हीट तो करेंगे, नहीं तो देखते हैं। तो जो मैं गई थी मार्केट, मैंने आपको बोला था, और मुझे कोई गिफ्ट मिला है, तो मैं आपको बता देती हूँ गिफ्ट मिला क्या है। चलिए वेट करिए 2 मिनट, फिर बता। तो चलिए मैं दिखाती हूँ आपको कि गिफ्ट क्या है, सरप्राइज़ क्या है जो मुझे आज मेरे भाभी ने दिया है, तो दिखाइए। ये आ गया मेरे हाथ में सरप्राइज, देख पा रहे हो, और देखने में आपको बहुत बड़ा लग रहा होगा, जी हाँ है तो बड़ा ही भाई। और इसकी मुझे नीड भी बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि
मैंने ना जब मम्मा के घर लास्ट गई थी ना दो तीन बार, तो मैं बोल के आई थी वहाँ पे कि मुझे ये चाहिए, अगर आप लोग मार्केट जाओ तो मेरे लिए ले आना ऐसा वैसा, क्योंकि मम्मा को ना चीज़ की बड़ी अच्छी पहचान है और मुझे इन सब चीज़ों की इतनी पहचान ही, मैंने कभी ये मतलब आपसे नहीं खरीदी। कोई फ्रेंड सर्कल हो तो वहाँ पर अगर कोई ऐसे ऐसे तो वहाँ ले जाती थी बहन के साथ या फिर ऐसे। तो अभी गर्मी के कारण मार्केट जाया नहीं जा रहा था, भाभी आज मार्केट आए तो उन्होंने मुझे कॉल की और मुझे मार्केट में ही बुलाया, मैं घर पे नहीं गई, मुझे मार्केट में ही बुलाया और मार्केट में बुला के उन्होंने ये मुझे दिया है गिफ्ट। तो चलिए अब इसे कर देते हैं अनबॉक्सिंग, ये क्या है और क्यों दिया है, क्योंकि मुझे नीड थी इसलिए दिया, ये बता देती हूँ। पर ये क्या है तो अभी बताती हूँ आपको ये क्या है। निकल जा, मतलब कहते हैं खुल जा सिम सिम, यहाँ पे मैं निकल जा सिम सिम। तो ये है गिफ्ट, यहाँ पे देख पा रहे हो ये है। अब आप लोग जो लेडीज होंगी आप लोगों ने सोच ही लिया होगा कि ये क्या है, तो चलिए मैं भी बता देती हूँ आप लोगों, क्योंकि आप लोग तो बहुत इंटेलिजेंट लोग हो, आपको समझ आ रही होगी क्या। जी हाँ, आपके सोचने के मुताबिक ये सही है, ये है बेडशीट मिरवेट के लिए। तो अभी मैं इसे ओपन करके दिखाती हूँ, मुझे सच में इतनी पसंद आई है ना, मैं शब्दों में नहीं बता सकती हूँ आपको, बहुत ज़्यादा मुझे पसंद है। इसका कलर तो बहुत ही अच्छा लगा है मुझे, तो मैंने सोचा कि मैं ना यूज़ करने से पहले आप लोगों को दिखा दूँ इस बेडशीट को। और सबसे पहले पिल्लो कवर दिखाऊंगी, इसे यहाँ पे रख देते हैं। तो ये है पिल्लो कवर दोनों, ये इधर जिप, इसकी क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, मतलब मैं सच में बता रही हूँ कि मैं ना आपको दिखा नहीं सकती ना, इसलिए इसके अंदर ये फॉर्म लगी हुई है, अब ये लगा हुआ है, बहुत सुंदर पिल्लो बना हुआ, बहुत ही अच्छा है। और इसका जो कपड़ा है ना वो प्योर कॉटन का है, बहुत अच्छा है, इसका कलर नहीं जाएगा क्योंकि गारंटी दी है भाई, कॉस्टली है तो गारंटी तो मिलेगी, कॉस्टली है तो इसलिए। और बेडशीट खोल के दिखा देती हूँ आपको, अभी यहाँ पे और कोई नहीं है, मेरा भी बस रीबिका है, तो रीबिका तो शूट कर रही है, वो तो नहीं दिखा पाए थे, तो चलिए दिखा देती हूँ। ये देखिए ये है मेरी बेडशीट, कैसी लगी आपको, प्रिंट कैसा लगा सारा आपको ये बताइएगा, ये बहुत अच्छी लग रही है मुझे। और इसका कपड़ा बहुत ही अच्छा है, मतलब ये अगर एक बार हम बेड पे बिछा लेंगे ना तो ये पूरा दिन ये इकट्ठी नहीं होगी, ये बेड पे ऐसे ही बिछी रहेगी। और मुझे ये वाली बेडशीट ही लेनी थी, इस कपड़े में ही लेनी थी, तो ये था आज का मेरा सरप्राइज़। तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा ये सरप्राइज़ आपको कैसा लगा। और सबसे अच्छी बात बताऊँ, इसकी पैकिंग जो है मुझे वो बहुत पसंद है, इसकी पैकिंग बहुत अच्छी थी। और इसका प्राइस बता देती हूँ, क्योंकि ये गिफ्टेड है तो गिफ्ट के अंदर प्राइस नहीं बताते, पर फिर भी आप लोगों को मैंने दिखाई है तो आप लोग जानना चाहोगे इसका प्राइस, क्योंकि मैंने इसको बाय तो नहीं किया पर मेरे सामने ली है उन्होंने, मेरी चॉइस की है, तो इसलिए इसका प्राइस बता देती हूँ। इसका प्राइस है 1000 ओनली, 1000 रुपये की है ये बेडशीट। और इसकी गारंटी वगैरह दी है, सब कुछ दिया है, इसका कलर नहीं जाएगा, गुर नहीं आएगी इसके ऊपर, बहुत उन्होंने ये सब बोला था। तो उन्होंने दो बेडशीट अपने लिए और एक मेरे लिए ली है, दो अपने लिए घर ले गए और एक मेरे लिए जो मुझे पसंद आई थी वो उन्होंने मुझे दे दी है। उन्होंने शॉप पर जाके ना बिल्कुल नहीं बताया था, वहाँ पे जाके उन्होंने बिल्कुल मुझे नहीं बताया था कि ये तेरे लिए है, वो बस चॉइस करने के लिए बोल रहे थे, मैंने चॉइस कर ली और जैसे ही मैंने की चॉइस तो ये मुझे मिल गई, बाहर शॉप से निकलते ये मुझे गिफ्ट मिल गया। तो कैसा लगा बताइएगा मुझे, अभी एक्सपेरिमेंट करना बाकी है, अगर यहीं पे वेट करते, गर्मी बहुत ज़्यादा, धूप बहुत ज़्यादा, दोस्तों इतनी वीडियो बनाने में ना बहुत ज़्यादा वो मेहनत लगती है, तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा प्लीज़, बाय। तो दोस्तों बन गया हमारा रात का खाना, बना दिया है हमने आलू मटर की सब्जी, आलू मटर की सब्जी और राइस, राइस इधर राइस बन गए हैं। और कुछ नहीं दोस्तों, आज के ब्लॉग में कुछ स्पेशल है, देखिएगा जरूर। और आपने आज, आपको पता है मेरे कितने सब्सक्राइबर बढ़े हैं, आज कितने बढ़े हैं क्या, हाँ आज मेरे आज के दिन में
19 सब्सक्राइबर बढ़े हैं, मतलब 19 सब्सक्राइबर मेरे बढ़ चुके हैं, तो मुझे बहुत खुशी है इस बात की। तो सॉरी, तो ऐसे मेरा साथ देते रहिएगा। और आज अब बज चुके हैं रात के 9:30 का टाइम हो चुका है, 9:30 का टाइम है। तो अभी आप लोगों को पता है कि ब्लॉग ख़त्म करने का टाइम है, तो अभी हम खाना वाना तो बाद में खाएंगे, अभी नहीं खाएंगे, इसलिए खाने का आजकल नहीं देती हूँ क्योंकि जो भूख है वो लगती नहीं, तो खाना कभी खाते कभी नहीं खाते, इसलिए खाने वाने का नहीं दिखाती मैं। तो अभी बस यही था, तो चलिए आज के ब्लॉग को करते हैं ये पे ख़त्म। ऐसे मेरे साथ रहेगा, ऐसे मेरे चैनल को आप सपोर्ट करते रहिएगा और ऐसे मुझे आगे बढ़ाते जाइएगा। और थैंक यू एक बार फिर से आप सबका जो मुझे सपोर्ट कर रहे हो। तो चलिए मिलते हैं कल सुबह एक नए ब्लॉग में, एक नए दिन के साथ और नई होप के साथ। बने रहिएगा स्माइली चैनल के साथ और शेयर करते रहिएगा, सब्सक्राइब करते रहिएगा और स्माइल देते रहिएगा, हमेशा हंसते रहिए, साथे रहिए, खुश रहिए, अपने घरों में सुरक्षित रहिएगा। तो चलिए बाय बाय, गुड नाइट, मिलते हैं कल सुबह फिर से। और एक दिन में एक ब्लॉग और एक दिन में एक ब्लॉग, मतलब तीसरे दिन दो दिन के इकट्ठे ब्लॉग आते हैं, तो देखना मत भूलिएगा स्माइली चैनल को। बाय बाय।